चलो साइंस की मदद लेते हैं। मैं तैयार हूँ। आओ खोजें दुनिया ये प्यारी, आओ जाने करामात सारी, साथ है साइंस और इमेजिनेशन, होगा कमाल और रहेंगे रोशन। डाबर ऑन न्यूज, मजे मजे में करो और सीखो। डाबर ऑन न्यूज, जंगल इनका दोस्त है, देखो हर मसले का हल है डाबर ऑन न्यूज। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अरे वाह! क्या भाई, क्या हो रहा है? ओह, ध्यान से बहना, मैं इस ट्री हाउस की सफाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम है ये तो। डार्विन, यहाँ बहुत ज्यादा चीजें हैं, क्या मैं मदद करूँ? जरूर, लेकिन पहले मुझे अपनी चीजों को तरतीब से रखना है, फिर एक तफसील मंसूबा बनाना है और फिर मैं सब कर दूंगी। देखो मेरी नई इजाद, मैंने इसे नाम दिया है रोबोट आर्म। ये सब उठा लेगा, ये नहीं चाहिए, और ये पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ। ओ न्यूट्स, तुम क्या कर रही हो? न्यूट्स, तुम हर चीज को इस तरह ट्री हाउस से बाहर नहीं फेंक सकती हो। मुझे माफ कर दो डार्विन, मैं बस मदद करना चाहती थी। मैं जानता हूँ कि तुम मदद कर रही थी, लेकिन तुमने ये बड़ी गड़बड़ कर दी। अब किसी को तो साफ करना होगा। या अल्लाह, सबसे पहले मुझे चीजों को तरतीब से रखने की जरूरत है, साइज के मुताबिक, फिर शेप के मुताबिक, और फिर रंगों के हिसाब से। इसकी जरूरत है, इसकी भी, इसकी भी। ऐसा लग रहा है मुझे इन सभी चीजों की जरूरत है। ओ, सिवाय इस क्रिकेट के बल्ले के, तो इसे फेंक देना ही बेहतर है। हेलो बर्फी, तुम क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? ये क्या है? न्यूट सब साफ कर रही थी, डार्विन ने तुम पर क्रिकेट का बल्ला फेंक दिया। ओह, लेकिन उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। एक मिनट बर्फी, क्या बड़ी दलदल? ये वाकई बहुत दूर है। बेहतर होगा कि डार्विन और न्यूट को बताऊं। आओ, ये काम में आ सकता है। तुम कैसी हो हिना? मैंने अभी बर्फी को देखा, वो वाकई पागल हो गया है। वो कह रहा था कि उस पर तुमने टूटा हुआ बल्ला फेंक दिया। माफ करना बर्फी, वो कहाँ है? वो अपनी फ्रेंड अफीफा से मिलने के लिए बड़ी वाली दलदल चला गया। वो बड़ी दलदल? वो तो वाकई दूर है। हाँ, मैं जानती हूँ, आज बहुत ज्यादा गर्मी है और मैं परेशान, मेंढक को पानी की जरूरत होती है। तो हम बर्फी की बड़ी दलदल तक पहुँचने में कैसे मदद कर सकते हैं? चलो साइंस की मदद लेते हैं। बर्फी के बर्तन में सब कुछ गीला है, उसके नहाने की जगह, उसका लिली पैड, यहाँ तक कि उसका मक्खी पकड़ने वाला भी। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्फी एक एम्फीबियन है। वहाब! एम्फीबियन? इसका क्या मतलब है वहाब? एम्फीबियन, इसका मतलब है कि मेंढक पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं। जमीन पर हो तो जरूरी है कि उन्हें किसी दलदल या दरिया या नम जगह के करीब होना चाहिए। उनकी जिल्द की हिफाजत के लिए मेंढक पानी पीने की बजाय अपनी स्पंज जैसी जिल्द से नमी के जरिए
पानी जज्ब कर लेते हैं, लेकिन बर्फी की जिल्द खुश्क नहीं होनी चाहिए, उसे नम ही रहना चाहिए। अगली मुलाकात जल्द होगी। गुड लक। शुक्रिया वहाब। ठीक है, हमें बर्फी की जिल्द को नम रखना है जैसा वहाब ने कहा। ठीक है, हो जाएगा। पेश है मेरी नई इजाद। बर्फी कहाँ गया? ये है सजीला, ठंडा और गीला गीला। अच्छा है न्यूट्स, पर अगर तुम बर्फी से मिलने जा रहे हो तो थोड़ा जल्दी जाना होगा। बर्फी। उस पर स्प्रे करना बेहतर होगा। तो अच्छा है ना बर्फी, बेहतर लग रहा है। हम बड़े दलदल के तकरीबन नजदीक ही हैं। क्या तुम अब भी क्रॉकेट से मिलना चाहोगे? तो फिर चलो। बर्फी, क्या तुम्हें मालूम है तुम एम्फीबियन हो? तुम जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हो। हम पहुँच ही गए, वो रही बड़ी दलदल। खुश हो जाओ बर्फी। बर्फी रुको। दलदल, मैं धस रही हूँ। हाँ, और इन झाड़ियों की वजह से खड़ा रहना वाकई मुश्किल है। वाओ! मैं मदद करती हूँ भाई। ओ न्यूज। मुझे नहीं मालूम था बर्फी गा सकता है। वैसे ये कोई गाना नहीं है, ये क्रॉकेट ओक है। यहाँ की तो वाकई अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? वाह, इतनी सारी लकड़ियाँ। डार्विन इस साफ सुथरी और खूबसूरत दलदल को देखकर बहुत खुश हो जाएगा। वो ट्री हाउस में फैले कचरे को भी भूल जाएगा। ओ नहीं, पानी कहाँ गया? और मेरी बहन कहाँ है? टडा! तुमने चाहा था कि कोई इसे साफ करे डार्विन, और मैंने कर दिया। वाह, वाकई दलदल साफ सुथरी दिखाई दे रही है। बस एक ही कमी है, यहाँ पानी नहीं है। ओ नहीं, बर्फी और अफीफा को पानी की जरूरत है क्योंकि वो मेंढक हैं। डार्विन, आखिर हुआ क्या? पानी कहाँ चला गया? चलो साइंस के मुताबिक देखते हैं। जब यहाँ दलदल थी तो यहाँ पानी भी था और बहुत सारी झाड़ियाँ भी, और अब यहाँ कोई लकड़ी भी नहीं है और पानी भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ दोबारा लकड़ियाँ लगानी होंगी। ठीक सोचा न्यूट्स। अगर हम दलदल के आखिर में झाड़ियों का ढेर लगा दें तो इससे दीवार भी बन जाएगी जो पानी को बाहर जाने से रोक देगी। ठीक है, हो जाएगा। पेश है मेरी नई इजाद, द रोबोट आर्म डैम मेकर। शुरू हो जाओ। ओह
ओहो, वहाँ से लकड़ियाँ गिर गई हैं। जल्दी हमें वहाँ कुछ लगाना होगा। मैं जानती थी कि क्रिकेट का टूटा बल्ला काम आएगा। अच्छा काम कर रही हो न्यूट्स। ओह, शुक्रिया डार्विन। लेकिन ये सब मेरी ही गलती से हुआ। और बर्फी और अफीफा के पास पानी ही नहीं बचा था। ये सब हादसा था न्यूट्स। तुम्हारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। और जब हमें इस मसले का एहसास हुआ तो हमने इसे ठीक भी कर दिया। डार्विन और न्यूट्स साथ जो हैं, हाँ मजेदार, जबरदस्त। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? चलो गाना गाएं।